के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए tv100news.com और इस बेल आइकन को दबाकर ताजा तरीन देश भर की खबरें पाएं सबसे पहले। पुलिस और पब्लिक की नाक में दम करने वाले तीन नटवर लाल को गाजीपुर की पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये जालसाज लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से पैसे पलक झपकते ही गायब कर देते थे। ये जालसाज विभिन्न जगहों के एटीएम बूथ पर पैसे निकालने के बहाने जाते थे। एटीएम में मौजूद ग्रामीण इलाकों के लोगों को एटीएम की कार्यवाही की सहायता करके एटीएम कार्ड बदल देते थे और वहां से चंपत होकर दूसरे एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। इनके पास से पुलिस ने लोगों को बेहोश करने के लिए स्प्रे कैन भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड तथा 5,000 रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी सिटी प्रदीप दुबे ने बताया कि चेक किन कार्डों से इनके पास गया यह जांच का विषय है। ये सातेर जालसाज गाजीपुर, वाराणसी और चंदौली में घटना को अंजाम दे चुके हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर पुलिस ने नगर के बंसी बाजार इलाके से इन्हें रात 11:30 पर गिरफ्तार किया है। इंद्रेश पटेल और चंद्रेश पटेल और अजीत यादव, ये तीनों रोहनिया थाना क्षेत्र वाराणसी के हैं। इनके गिरफ्तारी से जो चीज़ें बरामद हुई उसमें 11 अदद एटीएम कार्ड, 6 अदद पासबुक, 2 अदद चेकबुक और एक मोटरसाइकिल ग्लैमर, ऑनलाइन शॉपिंग के भी कागजात मिले हैं और 12 अदद सिम कार्ड तथा 5,000 रुपया मिला है। इनका एक सामान्य तरीका था कि एटीएम में ये घुस जाते थे और जो भोली भाली जनता एटीएम का सफल संचालन नहीं कर पाती है उसका पैसा निकालने के नाम पर एटीएम कार्ड ले लेते थे और उसका कोड भी पैसा प्राप्त करने निकालने के नाम पर कोड भी जानकारी कर लेते थे। पैसा निकला नहीं निकला वो अलग की बात है, लेकिन एटीएम कार्ड लौटाते समय ये फर्जी एटीएम कार्ड उसे वापस करके उसका एटीएम कार्ड उड़ा ले जाते थे और उससे फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर डालते थे या पैसा निकाल लेते थे। तो चेकबुक की अभी जांच मतलब कि प्रचलित है और चेकबुक इनके अपने भी हो सकते हैं। टीवी 100 के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। फर्जी निकले अभी इस पर बहुत टिप्पणी बिना जांच के नहीं की जा सकती है। बेवकूफ खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए tv100news.com और इस बेल आइकन को दबाकर ताजा तरीन देश भर की खबरें पाएं सबसे पहले।